स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम अक्रॉस, ओवर और थ्रू के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि अगर हम ये बताना चाहें कि कोई व्यक्ति या वस्तु ऑन द अदर साइड ऑफ समथिंग है। ऑन द अदर साइड ऑफ समथिंग मीन्स ऑन द अदर साइड ऑफ ए लाइन, ऑन द अदर साइड ऑफ ए रिवर, ऑन द अदर साइड ऑफ ए ब्रिज, ऑन द अदर साइड ऑफ ए रोड। ठीक है, एक तो हम ये बताएं। दूसरा, हम ये बताना चाहें कि कोई मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड ऑफ समथिंग। ठीक है, फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड ऑफ समथिंग। समथिंग की जगह फिर वही है, लाइन, रिवर, ब्रिज या रोड। मतलब फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड ऑफ ए लाइन, फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड ऑफ ए रिवर, या फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड ऑफ ए रोड, या फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड ऑफ ए ब्रिज। ठीक है, तो हम इन केसेस में हम दोनों प्रीपोजिशन यूज करते हैं। कौन सी दो प्रीपोजिशन? अक्रॉस और ओवर। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन हो तो हम इन दोनों प्रीपोजिशंस में से कोई भी प्रीपोजिशंस यूज कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स के द्वारा इस चीज़ को समझते हैं। पहला एग्जांपल है, हिज विलेज इज जस्ट अक्रॉस या ओवर द बॉर्डर। अब मान लीजिए ये एक बॉर्डर है। ठीक है, यहाँ पर स्पीकर है और यहाँ पर कोई विलेज है। ठीक है, ये विलेज है। अब स्पीकर कह रहा है कि हिज विलेज इज जस्ट अक्रॉस या जस्ट ओवर द बॉर्डर। मतलब स्पीकर यहाँ पे है और वो कह रहा है कि जो उसका घर है वो इस बॉर्डर के दूसरी ओर है। तो यहाँ पर घर कहाँ हुआ? ऑन द अदर साइड ऑफ ए बॉर्डर। ठीक है, ये बॉर्डर क्या हुआ? ये बॉर्डर एक लाइन होगी। ठीक है, कुल मिला के देखो तो ये जो रिवर और ये जो ब्रिज को छोड़ करके रिवर और रोड, ठीक है, लाइनें होती हैं। मान लीजिए कोई रिवर है वो सीधी चलती है तो ये लाइन ही बनाएगी। ठीक है, कोई रोड है तो ये भी सीधा ही चलता है तो ये भी एक लाइन ही बनाएगा। बॉर्डर है मान लीजिए तो बॉर्डर भी एक लाइन ही होती है। ठीक है, तो जब भी हम ये बताना चाहें कि कोई व्यक्ति या वस्तु ऑन द अदर साइड ऑफ ए लाइन, ऑन द अदर साइड ऑफ ए रिवर, ऑन द अदर साइड ऑफ ए रोड है, तो हम वहाँ पे जस्ट भी, अक्रॉस भी यूज कर सकते हैं और ओवर भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है स्पीकर, यहाँ पे है स्पीकर, कह रहा है कि उसका घर बॉर्डर के उस पार है, मतलब ऑन द अदर साइड ऑफ ए बॉर्डर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये घर है, यहाँ पर स्पीकर है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस जब स्पीकर कहेगा तो यहाँ पे देखिए अक्रॉस भी प्रयोग हो सकता है और ओवर का भी प्रयोग हो सकता है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही जम्प्ड अक्रॉस या ओवर द स्ट्रीम। अब यहाँ पर मान लीजिए ये स्ट्रीम है। स्ट्रीम क्या होता है? एक छोटा नाला होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रीम है, इसमें पानी है। अब स्पीकर कह रहा है कि ही जम्प्ड अक्रॉस या ओवर द स्ट्रीम। कोई पर्सन है उसके बारे में स्पीकर कह रहा है कि ही जम्प्ड अक्रॉस या ओवर द स्ट्रीम। इसका मतलब ही यहाँ पे था और वो यहाँ पहुँच गया। ठीक है, फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड। ठीक है, इस साइड से और उस साइड गया ये ही। तो स्पीकर ने कहा ही जम्प्ड अक्रॉस या ओवर द स्ट्रीम। तो यहाँ पे जो ही है वो क्योंकि इस साइड था, इस साइड से उस साइड गया। ठीक है, तो यहाँ पर अक्रॉस का प्रयोग भी हो सकता है और ओवर का प्रयोग भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, देर इज ए ब्रिज अक्रॉस या ओवर द रोड। अब यहाँ पे देखिए ये रोड है मान लीजिए। ठीक है, ये रोड है और यहाँ पे ये ब्रिज है, ये ब्रिज है यहाँ। तो ये ब्रिज कैसे है? देखिए ये ब्रिज कहाँ से कहाँ है? फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड। ठीक है, ये ब्रिज भी फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड है, तो यहाँ पर भी हम अक्रॉस या ओवर का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम कहेंगे देर इज ए ब्रिज, चाहे आप अक्रॉस द रोड कह लीजिए, चाहे आप ओवर द रोड कह लीजिए। नेक्स्ट है, वी प्रीफर ओवर टू से ऑन और टू द अदर साइड ऑफ समथिंग हाई। देखिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कोई ऊंची चीज़ है, मान लीजिए हम ये दीवार ही मान लेते हैं। ठीक है, ये कोई दीवार है और ये क्या कह रहा है कि वी प्रीफर ओवर, कि हम ओवर को प्रीफर करेंगे। जब हम ये बताना चाहेंगे कि कोई व्यक्ति या वस्तु जो है इस ऊंची, कोई भी वस्तु है मान लीजिए कोई हाई थिंग है और उसके उस पार है दूसरी ओर, तो हम ओवर प्रीफर करते हैं। एक दूसरा, कोई भी व्यक्ति अगर पार कर रहा है, मतलब इस दीवार के इस साइड से और दूसरी साइड जा रहा है, तो भी हम ओवर ही प्रीफर करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये जो चीज़ है जिसको पार किया जा रहा है, जिसकी दूसरी साइड क्या है हम ये बता रहे हैं, तो ये हाई होनी चाहिए, समथिंग हाई। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि दीवार है, तो दीवार ऊंची होती है। अब दीवार के अगर दूसरी साइड कोई चीज़ है और उसको अगर हम बता रहे हैं, मतलब स्पीकर इस तरफ है
ठीक है, स्पीकर इस तरफ है और दूसरी चीज़ मान लीजिए दीवार के उस तरफ है, ठीक है, दूसरी साइड है, तो वहाँ पर स्पीकर उस वस्तु के बारे में बताने के लिए, उस व्यक्ति के बारे में बताने के लिए क्या बोलेगा, ओवर, ओवर यूज करेगा। और अगर कोई या मूवमेंट हो रहा है मान लीजिए इस साइड से, जो ये हाई, कोई भी हाई थिंग है उसके एक साइड से, फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड, मतलब एक साइड से दूसरी साइड जो मूवमेंट हो रहा है, तो वहाँ पर भी हम ओवर को प्रीफर करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए ये कोई भी चीज़ है वो हाई नहीं है, मतलब देखिए यहाँ पे लिख रखा है समथिंग हाई, कोई भी चीज़ हाई नहीं है लेकिन कोई फ्लैट एरिया है या कोई सरफेस है, ठीक है, कोई फ्लैट एरिया है, कोई सरफेस है, उसको उसके दूसरी तरफ अगर बताया जा रहा है, कोई व्यक्ति या वस्तु इस सरफेस एरिया के या इस फ्लैट एरिया के दूसरी तरफ है, तो हम वहाँ पे क्या यूज करते हैं, अक्रॉस। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी गलत लिखी हुई है, अक्रॉस है ये, अक्रॉस। तो जब हम ये बताएं कि कोई व्यक्ति या वस्तु किसी हाई थिंग के दूसरी ओर है, स्पीकर इधर है, ठीक है ना, स्पीकर इस साइड है, कोई स्पीकर ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति या वस्तु इस हाई थिंग के दूसरी साइड है, या मूवमेंट हो रहा है स्पीकर की तरफ से दूसरी ओर, मूवमेंट हो रहा है मतलब फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड मूवमेंट हो रहा है, तो वहाँ पे हम ओवर को प्रीफर करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कोई फ्लैट एरिया है और फ्लैट एरिया के दूसरी ओर कोई वस्तु या व्यक्ति या वस्तु है, स्पीकर इस तरफ है, ठीक है, मान लीजिए कोई खेत है, ये कोई खेत है ऐसे, तो स्पीकर कह रहा है कि कोई व्यक्ति या वस्तु है इस एरिया के, इस फ्लैट एरिया के दूसरी ओर, ठीक है, तो वहां पर हम अक्रॉस प्रीफर करेंगे। लेकिन अगर मूवमेंट हो रहा है मान लीजिए इधर से उधर, फ्लैट एरिया में से कोई मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड ऑफ ए फ्लैट एरिया, तो वहां पर भी हम अक्रॉस को ही प्रीफर करते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे वाई आर यू जंपिंग ओवर द वॉल, तो यहाँ पर स्पीकर कह रहा है कि वाई आर यू जंपिंग ओवर द वॉल, तो कोई वॉल है और वॉल कैसी होगी, वॉल एक हाई थिंग है, ठीक है, एक ऊंची चीज होती है, तो स्पीकर कह रहा है वाई आर यू जंपिंग ओवर द वॉल कि मतलब कोई स्पीक कोई व्यक्ति कोई पर्सन है वो एक साइड से दूसरी ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड, तो यहाँ पर देखिए ओवर का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है दे वॉक्ड अक्रॉस द डेजर्ट, तो उन्होंने डेजर्ट को पैदल चलकर पार किया, तो यहाँ पर जो डेजर्ट है ये कैसा है, डेजर्ट एक फ्लैट एरिया है, ठीक है, अब डेजर्ट को पार किया तो फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड, तो ये एक फ्लैट एरिया है, फ्लैट एरिया है, तो यहाँ पे क्या यूज़ किया गया, अक्रॉस यूज़ किया गया। तो इस तरह से जब हम ये बताएं कि कोई व्यक्ति या वस्तु किसी हाई चीज़ के, किसी हाई जो है किसी ऊंची वस्तु के दूसरी ओर है, या मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड ऑफ समथिंग हाई, तो हम वहाँ पे ओवर प्रीफर करते हैं, या कोई फ्लैट एरिया है, ठीक है, कोई फ्लैट एरिया है और फ्लैट एरिया के दूसरी तरफ हम कोई चीज़ बताएं कि कोई व्यक्ति या वस्तु है वो फ्लैट एरिया के दूसरी तरफ है, तो हम वहाँ पे एक्रोस प्रीफर करते हैं, या हम ये बताएं कि कोई मूवमेंट हो रहा है किसी फ्लैट एरिया के एक साइड से दूसरी ओर, तो भी हम एक्रोस का ही प्रयोग करते हैं। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति या वस्तु या किसी वस्तु या व्यक्ति की लोकेशन बताना चाहते हैं आप, और वो लोकेशन है किसी हाई थिंग के दूसरी ओर, या मूवमेंट हो रहा है कि एक साइड से दूसरी तरफ लेकिन वो बीच में क्या है, कोई हाई थिंग है, तो वहाँ पे आप ओवर प्रीफर करेंगे। लेकिन कोई व्यक्ति या वस्तु है, कोई फ्लैट एरिया है, कोई सरफेस है उसके दूसरी ओर, ठीक है, या मूवमेंट हो रहा है किसी सरफेस या फ्लैट एरिया के एक साइड से दूसरी साइड, तो आप अक्रॉस प्रीफर करेंगे। आइए बात करते हैं कि कब हम अक्रॉस का प्रयोग करते हैं, कब हम थ्रू का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, जब किसी थ्री डायमेंशनल स्पेस को क्रॉस करने की बात हो रही हो तो हम थ्रू का प्रयोग करते हैं, और जब टू डायमेंशनल स्पेस को क्रॉस करने की बात हो रही हो तो हम अक्रॉस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब ये थ्री डायमेंशनल स्पेस और टू डायमेंशनल स्पेस क्या होते हैं, तो जिस स्पेस की लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और हाइट भी होती है, तो ये जो स्पेस होता है इसको हम कहेंगे थ्री डायमेंशनल स्पेस, और जिस स्पेस की लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है लेकिन हाइट नहीं होती है, इसको हम कहेंगे टू डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल्स हैं दे ड्रो अक्रॉस द डेजर्ट, उन्होंने डेजर्ट के अक्रॉस जो है ड्राइव की, मतलब उन्होंने ड्राइव करते हुए जो डेजर्ट है, एक रेगिस्तान है, उसको क्रॉस किया। तो डेजर्ट जो होता है ये एक फ्लैट एरिया होता है, इसमें कोई पेड़ पौधे नहीं होते, ये एक समतल भूमि होती है, ठीक है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसकी लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है लेकिन हाइट नहीं हो सकती, कोई भी डेजर्ट है उसकी हाइट नहीं हो सकती क्योंकि इसमें पेड़ पौधे वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है, एक समतल भूमि होती है, तो ये एक टू डायमेंशनल स्पेस है। तो यहाँ पर देखिए अक्रॉस का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं डेजर्ट की जगह फॉरेस्ट कर दूँ,
तो फॉरेस्ट क्या होता है कि फॉरेस्ट भी एक फ्लैट एरिया ही होता है, लेकिन इसमें पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है ना। और ये पेड़ पौधे इसकी हाइट भी बना देते हैं। तो ये एक थ्री डायमेंशनल स्पेस हो गया। तो जब फॉरेस्ट को क्रॉस किया जाएगा तो वहाँ पे हम थ्रू का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, दे ड्रू थ्रू द फॉरेस्ट, कि उन्होंने जो है फॉरेस्ट को क्रॉस किया ड्राइव करते हुए। तो यहाँ पर थ्रू का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है, द थीफ एस्केप्ड थ्रू ए विंडो, चोर जो है एक खिड़की से बच निकला। अब यहाँ पर किससे बच निकला? विंडो से। तो यहाँ पर विंडो से पहले देखिए थ्रू का प्रयोग किया गया। अब कोई भी विंडो जो होती है उसकी लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है, और उसकी हाइट भी होती है। तो विंडो जो एक थ्री डायमेंशनल स्पेस होता है, तो यहाँ पर भी हम थ्रू का प्रयोग करेंगे क्योंकि थ्री डायमेंशनल स्पेस है। तो कैसा लगे वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।